इस मूवी को देखने के बाद तुम्हारा गला, फेफड़ा, किडनी, लिवर सब कुछ बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस मूवी के सीन ही ऐसी है। तुम सिर्फ एक बार सोच कर देखो कि तुम जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर हो, लेकिन वहां से वापस जमीन पर आने का रास्ता ही नहीं है। रेस्ट इन पीस। 90% लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। इस फॉल मूवी में 2000 फीट की ऊंचाई दिखाई है। अगर वहां पर कोई इंसान फंस जाता है और वहां से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसकी वहां पर ऊपर कैसी सिचुएशन होगी वो हमें इस मूवी में दिखाया है, और वो सिचुएशन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर से फील भी होती है। इस मूवी को देखते टाइम तुम 2000 फीट की ऊंचाई पर नहीं होगे, लेकिन जब तुम मूवी देख रहे होगे तब तुम्हें भी डर फील होगा, और एक बार जरूर से सोचोगे कि अच्छी बात है कि मैं वहां पर नहीं हूँ, अपने घर पर ही हूँ। ये फॉल मूवी इसी साल 2022 में रिलीज हुई है, जिसने $16 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये एक फ्लॉप मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक हिट मूवी है, क्योंकि इस मूवी का बजट सिर्फ $3 मिलियन है। तो मूवी की स्टोरी ये है कि दो लड़कियां हैं, हंटर और बेकी, जो 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ती है, लेकिन वहां पर चढ़ने के बाद वो जिस सीढ़ी से चढ़ी थी वो टूट जाती है, जिस वजह से अब वो वहां से नीचे नहीं आ सकती है, और वहां से उनकी आवाज भी नीचे नहीं पहुंच सकती है, और वहां पर नेटवर्क भी नहीं है, यानी कि वो दोनों वहां पर ऊपर फंस चुकी है। अब वो दोनों वहां पर सर्वाइव कर पाती है या नहीं, यानी कि वो जिंदा बचती है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको इस फॉल मूवी को देखना पड़ेगा। और हंटर और बेकी वहां पर 2000 फीट की ऊंचाई पर जो जो रिस्क लेती है ना, उसे देखकर तो मजा ही आ गया। हंटर और बेकी की इतनी ऊंचाई पर कैसी सिचुएशन होगी वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आता है। अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ हमारा दुश्मन भी हो तो हमें उसका साथ देना पड़ता है और उसको हमारा साथ देना पड़ता है, जिस वजह से दोनों सही सलामत वहां से बाहर निकल पाए। ये मूवी जितना हमें डर फील करवाती है, उतना एक पॉइंट पर पहुंचकर ये मूवी हमें इमोशनल फील भी करवाती है। और इस मूवी के सभी सीन हमें रियल लगे, इसलिए इस मूवी के सीन को सच में ऊंचाई पर शूट किया गया है, लेकिन उसके लिए ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन को भी यूज किया गया है, लेकिन जितनी ऊंचाई हमें मूवी में दिखाई गई है उतनी ऊंचाई पर नहीं, उससे तो कम ही ऊंचाई पर। इस पूरी मूवी को देखते टाइम आप यही सोचते रहोगे कि अगर मैं वहां पर होता तो मैं क्या करता। और एक बात ये भी सोचने जैसी है कि हंटर और बेकी को इतनी ऊंचाई, यानी कि 2000 फीट की ऊंचाई पर जाने की जरूरत ही क्या थी, और उसके लिए मूवी में हमें एक रीजन भी दिखाया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए वो रीजन काफी है, या फिर वो दोनों YouTube वीडियो बनाने गए थे। 2000 फीट की ऊंचाई पर जीने के लिए खाना तो चाहिए, और जिस तरीके से वहां पर खाने का जुगाड़ किया गया ना, वो सीन मुझे एकदम ही बेस्ट लगा। और अगर आपको सर्वाइवल मूवी पसंद है तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आएगी, मुझे तो मजा आ गया। मैंने इस फॉल मूवी को इंग्लिश में देखा, और जहां तक मुझे पता है तो ये मूवी हिंदी डब्ड नहीं है, लेकिन आप इस मूवी को इंग्लिश में ही देख लेना, क्योंकि इस मूवी के सीन ही ऐसे जिसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। अगर ये चाइनीज, कोरियन, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में होती तो भी आप इस मूवी को देख लेते और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो आप इस मूवी को इंग्लिश में ही देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हो तो सबटाइटल के साथ देख लेना। तो बस यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।